बिजली के करंट की चपेट में आ जाने से 18 वर्षीय बालिका की मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार थाना अंतर्गत ग्राम सभा सखौली के सखौली नंबर 2 में बिजली के करंट की चपेट में आ जाने से 18 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। यह घटना लगभग सुबह 6:30 की है, जब पाग सहानी की पुत्री प्रियंका सहानी कहीं जाने की तैयारी में कपड़ा इस्त्री करने जा रही थी। जैसे ही उसने चप्पल निकालकर इस्त्री को छुआ, तभी वह बिजली की चपेट में आ गई। घर वालों ने बताया कि घर में बिजली पहले से ही उतरी थी, चप्पल पहनने के कारण बिजली को महसूस नहीं किया जा सकता था, किंतु झंझनाहट महसूस हो रही थी। बता दें कि ग्राम सभा सखौली में बिजली से होने वाली यह दूसरी मौत है। इसके पहले ग्राम सभा सखौली में बड़े टोले के, जो कि सखौली नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी इसके पहले जलालुद्दीन पुत्र हबीब की मौत भी घर में बिजली उतरने के कारण ही हुई थी। लोगों ने बताया कि ग्राम सभा सखौली बिजली के तार जर्जर हो चुके हैं, तो कहीं कहीं बिजली के तार नीचे की तरफ झुक गए हैं, जो आए दिन लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए कहा कि बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली विभाग के द्वारा प्राइवेट व्यक्ति को भेजकर बिजली संबंधित कार्य करवाए जाते हैं। दिग्विजयनाथ शुक्ला मंडल ब्यूरो चीफ गोरखपुर के साथ प्रमोद कुमार पांडे ब्यूरो चीफ कुशीनगर की रिपोर्ट। ये पूरे घर में हमारे बिजली उतरने के कारण ऐसा घटना हुआ है। आपके पूरे घर में बिजली उतर गई थी? जी जी। लगभग कै बजे की बात है ये? 6:30 बजे की बात है। बच्ची का क्या नाम था? प्रियंका सहानी। कितने वर्ष की रही होगी वो? ये 18 साल की है। 18 साल की है। क्या इस आपके गाँव में इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है? क्या बिजली विभाग को आप लोगों ने सूचना दी? जी, सूचना तो मिला दिया गया था यहाँ से। क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही? कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। कोई प्रक्रिया बिजली विभाग ने नहीं किया? कोई प्रक्रिया नहीं हुआ अभी तक। चाचा, ये घटना कैसे हुई है, कब हुई है? साढ़े छह बजे हुई है। बिजली घर में उतर गई थी? हाँ, घर में उतर गई थी। और उस बच्ची का उम्र क्या रहा होगा जो एक्सपायर की है? 18 साल। 18 साल। क्या नाम था उसका? प्रियंका। और क्या बिजली यहाँ पे निरंतर ऐसे ही होता है? हाँ, ऐसे ही होता रहता है। क्या होता है लाइट पे? लाइट पे कभी इतना ज्यादा आता है, कभी इतना थोड़ा बहुत कम होता है। बहुत नुकसान होता है यहाँ पे। क्या नाम पड़ेगा आपका? बद्रीनाथ। आप कौन है उस बच्ची के? हम उसके बड़े पापा हैं। बड़े पिताजी हैं। बिजली की यही प्रक्रिया रहती है? यही प्रक्रिया सर, कई बार लाइन फुल हो जाती है, टीवी पंखा स्टेबलाइजर सब जल जाता है। कभी इतना लाइन आ रहता है कि कोई पंखा नहीं चलता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब हाई और लो होता रहता है वोल्टेज आपका? कई बार हम लोग कंप्लेन भी किए, लेकिन कोई भी सुनवाई, तार भी सब जर्जर हो गया है। आपके गाँव के बिजली लाइट का तार पूरा जर्जर हो गया? जर्जर हो गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। क्या बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं? कभी नहीं, कोई नहीं आया। और प्राइवेट जो कर्मचारी, उसको लोग भेज देते हैं। प्राइवेट कर्मचारी को भेजते हैं? भेज देते हैं। कोता हम तो प्राइवेट, हम क्या करें? जैसे जेई और एक्सचेंज को आपने सूचना दिया? जी जी, कई बार कहा गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पोल की भी आवश्यकता है कि एक पोल लगा दीजिए। मान लीजिए कोई बड़ी गाड़ी जाए तो उससे भी इनकी घटना हो सकती है। आपके गाँव में बिजली से कितनी घटनाएं हो चुकी है लगभग? अल्लाह सब मान के चलिए कि एक बार तो भैंस को एक मार दी थी। हाँ। मान लीजिए कुछ बच्चों को, कम से कम नहीं तो कई लोगों का टीवी, कम से कम कई हजार लाखों का नुकसान हो चुका। मौत कितनी हो चुकी है? मौत अभी तो पहली बार हुई है। दो है, एक बड़े टोले पर हुई है। दो मौतें हो चुकी हैं? दो मौतें हो चुकी बिजली से। ठीक, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, बबलू पांडे। आपके घर में भी बिजली उतर आती है? लड़की की मार पहली बार। आपके बच्ची को भी लाइट मारा था? घर में भी उतर गया था? कितने दिनों की बात है पहले? 10-15 दिन पहले आपके घर में भी बिजली उतर आई थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या हुआ इस घटना में? इस घटना में तो बिजली पूरा घर में उतर गया है। पूरा बिजली घर में उतर गई थी? और बिजली उतरने के बाद? बिजली उतरने के बाद उनको मार दिया लाइट। लाइट मार दी, एक्सपायर कर गई? एक्सपायर कर गया तुरंत। क्या करने जा रही थी कि वो बिजली मारी है? वो प्रेस करने जा रही थी। हाँ, और प्रेस कर उठाने से पहले घर में लाइट थी आपके? हाँ, घर में लाइट थी। घर में लाइट भी चली गई थी? हाँ, जमीन में लाइट था उसमें। अच्छा।